कि बिग बॉस 14 को, सलमान जी को और जितने मेरी देश की जनता है कि आई लव यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हम लोगों को देखा और हमारा बिग बॉस 14 को हेट किया, तो आज मैंने ट्रॉफी का ही, हमको ट्रॉफी तो नहीं मिली बट हम ट्रॉफी का ही मैंने केक बनाया है। अच्छा। हाँ, सेम केक बनाया है बट लेकिन मेरी ट्रॉफी मेरी जनता है, उनका प्यार है, जनता का प्यार ही मिला है, वही वही हमारी ट्रॉफी है। और सलमान जी हमारी ट्रॉफी है और उनका दिया हुआ ब्रेसलेट ही हमारी ट्रॉफी है। राहुल, जो मुंह पे बोले, जो दोस्त मुंह पे बोले वही सच्चा दोस्त, पता आपने हाँ। मुंह पे ही बोला है ये बात, पक्का किया, बट आपको कैसे लगा कि पक्का किया है? वही पूछ रहे हैं कि कई बार क्या होता था कि अगर ये बातें नॉर्मली बाहर नहीं बोलता हूँ, मैंने जो जो मुझे लगा, मैंने बिग बॉस से, क्रिएटिव चैनल से और सलमान भाई से बातें की तो बाहर नहीं कहूँगा, मुझे कई बार लगा कि जहाँ राखी गलत जा रही थी वहाँ बाकी सदस्य तुमको मेंटल के झटके लगाने हैं, इज रॉन्ग, ठीक करते थे, मगर राखी को, राखी को नहीं बताते थे बात। ये मेरा दोस्त नहीं, तुम्हारा दोस्त है क्या दुश्मन है भाई? दरवाजा ही खोल दिया उनको, एक ही बार डायरेक्ट दरवाजा ही खोल दिया, उस दिन के बाद मैं सुधर गई। सलमान जी ने मुझे कहा था राखी तुम मुझे वादा करो, सलमान जी ने वादा लिया है कि बाहर भी और यहाँ पे भी ऐसे कोई शब्द तुम नहीं बोलोगी, यू नो, मुझे बोला, मैंने मैं वादा करती हूँ, उस दिन के बाद मैं नहीं बोली। तुम ऐसी लड़की हुई नहीं, तुम कोई गंदे शब्द यूज करती नहीं हो, राखी को मैं जानता हूँ, वो बहुत सिंपल घरेलू लड़की है, गुस्सा आता है हाँ तभी उसका चक्कर है, वो कैमरा की वजह से ही होता है ना। आप बताओ जिस दिन राहुल भड़का था, सती सावित्री है वो तो मैं हूँ, राहुल महाजन जिस दिन भड़के थे आपने देखा था क्या? उस दिन मैंने पलट कर एक भी जवाब राहुल महाजन को दिया था नहीं, मैं अपने लक्ष्मण रेखा में थी, उसकी रिस्पेक्ट करी, वो अपने रिस्पेक्ट मेरे लिए भूल गया लेकिन मैं राहुल महाजन के लिए कभी नहीं भूली। क्यों? क्योंकि राहुल सिर्फ राहुल ने, उनके साथ महाजन शब्द जो है उनका सरनेम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने रिस्पेक्ट किया। देखिए जो दानवीर और जो लेजेंड होते हैं वो हर चीज़ बताते नहीं हैं, इस हाथ से चीज़ें अच्छी करते हैं, नेक काम करते हैं, इस हाथ को पता नहीं चलता है, सो आप सब समझ ही सकते हैं। उनका बहुत सपोर्ट है हमें, दोनों भाइयों का, सलमान भाई का, उनके सोहेल भाई का, उनकी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गॉड ब्रदर्स मिले। राखी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी मम्मी तबीयत खराब थी और हर किसी ने आपको कांटेक्ट किया और मिलने गए, तो जब आप बिग बॉस के घर में थी तो रूबीना दिलैक ने कहा था कि राखी मैं बाहर जाऊंगी और पर्सनली तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखूंगी और हर चीज में उनका साथ दूंगी, तो रूबीना दिलैक आई मिलने नहीं अभी तक? रूबीना, आई लव रूबीना, आई कॉन्ग्रेचुलेट के शी डिजर्व विनिंग एंड शी इज अ फैंटास्टिक लेडी, आई लाइक हर, और मुझे तो डे वन से ही पता था कि रूबीना जीतेगी, मैं आते ही बोल रही थी रूबीना और लास्ट फाइनलिस्ट तो अंदर बोल रही थी डायरेक्ट सबको सबको बोलती थी यू आर द विनर, यू आर द विनर, यू आर द विनर, एंड कुछ चीज़ें होती हैं, सिक्स सेंस मुझे हैं, एंड मुझे रूबीना का आज ही मैसेज आया है, आई थिंक शी इज़ बिजी विद द शूट और बाहर गई थी, बिकॉज एक बार आप बिग बॉस हाउस से बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, आप सिर्फ यही सोचते कि पहले मैं छुट्टियाँ मनाऊँ, क्योंकि अंदर हम लोग एकदम बंद कमरे में रहे हैं, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो, मुझे भी मौका नहीं मिला, मैं तो डायरेक्ट मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, यू नो, कीमोथेरेपी के लिए, बट रूबीना ने आज मैसेज आया कि शी इज़ गोइंग टू मीट माई मॉम, एंड हाँ वो भी एक अच्छी पार्टी थ्रो करने वाली है, मैसेज है मेरे पास रूबीना का, एंड शी लव माई मॉम एंड मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट किया है। देखिए हमारे बीच में जो भी छोटा मोटा झगड़ा अंदर रहा वो एक हाउस है, अरे मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जब इतना समय एक हाउस में अंदर रहेंगे, वो 5 महीने रही, मैं 2.5 महीने रही, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है और थोड़े बहुत तो झगड़े होते ही हैं, अगर झगड़े नहीं होंगे तो आप लोग ये सोचोगे क्या स्क्रिप्टेड है क्या, झगड़े क्यों नहीं हो रहे, और झगड़े हो रहे तो आप लोग बोलेंगे अरे झगड़े क्यों हो रहे, तो हर चीज़ में हमारा कत्ल ही है भाई। मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ कि कोई भी मेरे पर फिल्म बनाएगा, आई डोंट नो माय ब्रदर, और क्या कहते हैं वो अपने पे फिल्म बनाने वाला, मेरे पे अगर बायोपिक बनेगी तो मुझे ऐसा लगता है मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, उसमें मेरा बड़ा रोल रहेगा, मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरी जो जिंदगी है निकी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट
निकी कम प्ले हो, निकी तुम्हारा रोल कर सकती है। नहीं नहीं मुझे मेरे जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं सर, मैं ये बता रही हूँ कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होगी। मुझे अभी भी मुझे जावेद अख्तर जी का भी ऑफर आया है कि राखी मुझे तुम्हारी बायोपिक की स्टोरी बताओ। तो हम लोग फ्लाइट में बिग बॉस जाने से पहले उन्होंने कहा था मुझे, जावेद जी ने, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑफर आ रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सही डायरेक्टर चाहिए जो मेरी लाइफ के बारे में सही दर्शकों को दिखा सके। बिकॉज इट्स ऑफकोर्स इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज राखी सावंत ऐसे नहीं बनी है। वो मतलब बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही ठोकरों का पुतला हूँ मैं, और तब जाके 15 इयर्स मुझे लगे इंडस्ट्री में, और मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ डेफिनेटली। कैसे कैसे गुजरी, थैंक यू। ट्रॉफी तो नहीं मिले, केक तो मिलेगा तुमको।